फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति वर्मा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसका हम फोर्थ यूनिट स्टार्ट कर चुके हैं। और फोर्थ यूनिट के अंदर हम कई वीडियोस पहले भी देख चुके हैं, जिसमें हमने देखा था चाइल्ड अब्यूज़ वगैरह, जो हमारे टॉपिक्स थे फोर्थ यूनिट के, जहाँ से हमने फोर्थ यूनिट अपना स्टार्ट किया था। और अब हम पहुँच चुके हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, जिसमें हम देखेंगे बाल मोटापा, यानी चाइल्ड ओबेसिटी। ओबेसिटी के बारे में हम इसके अंदर पढ़ेंगे कि ओबेसिटी होती क्या है, क्या क्या कारण होते हैं उसके, किस किस टाइप के उपचार हम ओबेसिटी के लिए कर सकते हैं। तो बाल मोटापा कारण एवं उपचार, खेल क्रियाओं व योग द्वारा बचाव, तो इसके अंदर है चाइल्ड ओबेसिटी कॉजेस एंड रेमेडीज, प्रिवेंशन थ्रू स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड योगा। तो जो योगा से या किसी प्रकार की एक्टिविटीज से या स्पोर्ट्स से या कोई भी ऐसा उपचार लेकर, रेमेडी लेकर, किस तरीके से हम बाल मोटापे को, यानी जो चाइल्ड ओबेसिटी है, उसको किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। फर्स्टली वी विल स्टार्ट विद चाइल्ड ओबेसिटी इंट्रो। तो इसके अंदर है एक मोटापा, एक मोटा बच्चा जो होता है, एक मोटा बच्चा वह माना जाता है जिसका किसी भी स्थिति में सामान्य वजन नहीं है। मतलब अगर कोई भी छोटा बच्चा है, मान लीजिए वो 5 ईयर्स का चाइल्ड है, और उसका क्या है, मोटापा जो है उसकी एज से ज़्यादा है, ओबेसिटी उसकी ज़्यादा है, तो वो एक सामान्य बालक नहीं है, वो एक तरीके से ओबेसिटी का शिकार है। तो इसके अंदर यद्यपि मोटापे की परिभाषा के बारे में कोई सार्वभौमिक आम सहमति नहीं है, यह समय के साथ परिवर्तित होता है। विलियम 19 जो 1992, मतलब जो विलियम राइटर हैं, इन्होंने अपने इसको किस चीज़ में वर्गीकृत किया है, यदि शरीर में वसा की प्रतिशत बालकों के लिए 25% से अधिक होती है, मतलब 25% से ज़्यादा होती है वसा, तो क्या होता है, एवं बालिकाओं के अंदर 30% से, मतलब बालकों के अंदर 25% और लड़कियों के अंदर जो होता है, बालिकाओं के अंदर 30% से अधिक होती है, वह मोटे होंगे। तो इसके अंदर आगे है बाल मोटापे के कारण, यानी कॉजेस ऑफ चाइल्ड ओबेसिटी, जिसके अंदर फर्स्ट है हमारा वंशानुक्रम या अनुवांशिकता, हेरिडिटी या जेनेटिक्स। हमारी जो हेरिडिटी है, जो अनुवांशिकता है, जो हमें विरासत में मिलती है अपने पेरेंट्स से, उसके जरिए मोटापा कैसे होता है, वो एक कारण कैसे है, तो इसमें अनुवांशिकता मोटापे का एक संभावित कारण माना जाता है, जिसकी संभावना ज़्यादा होती है। कुछ अध्ययनों ने क्या किया है, प्रमाणित किया है वातावरण एवं व्यवहारात्मक जो कारक होते हैं, उससे क्या होता है, बाल मोटापे के मुद्दे में अधिकतर योगदान रहा है। मतलब जो हेरिडिटी और जेनेटिक्स होते हैं, इनका जिस तरीके, जैसे कि मान लीजिए अगर पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, या फिर उनके अंदर ओबेसिटी का कुछ है थोड़ा भी, तो जो बच्चे होते हैं उनके अंदर भी ये हेरिडिटी के जरिए आ जाता है। तो सेकंड है इसके अंदर हमारा शारीरिक क्रियाओं में कमी, यानी लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज। जो बच्चे ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटीज नहीं करते, बैठे रहते हैं, या फिर वो ज़्यादा वॉकिंग वगैरह नहीं करते, तो वो इस मोटापे का, यानी ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, जिसमें आपका बच्चा अपने घर व विद्यालय की चार दीवारी में बंद कर रह गया है। मतलब वो अगर या तो घर में ही रह रहा है, या फिर वो विद्यालय जाकर ही रह रहा है, और वहाँ भी कहीं वो ट्रैवल करके जा रहा है, तो वो बाइक या फिर दूसरी चीज़ों का जो मतलब वॉक ना करना पड़े उसको, या साइकिलिंग ना करनी पड़े, तो वो इन चीज़ों का, इन परिवहनों का, इन ट्रांसपोर्ट्स का सहारा ले रहा है, जिसके जरिए वो किसी भी तरीके से चलना तो उसमें है ही नहीं बिल्कुल। तो इसमें है आपका बच्चा अपने घर व विद्यालय की चार दीवारी में बंद कर रह गया है, वह मुश्किल से खुले स्थान पर खेल सकता है, मतलब बहुत ही मुश्किल से। ग्राउंड में भी उसको कितना समय मिलता है, थोड़ा सा लंच के टाइम पर समय मिल जाता है, स्कूल में, विद्यालय खेल मैदान ब्रेक अवधि के दौरान शांत होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें हमारा थर्ड पॉइंट, जिसके अंदर है अत्यधिक कैलोरी देना, यानी एक्सेस कैलोरी इनटेक। तो इसके अंदर क्या है, ऊर्जा से भरपूर विद्यालय कैफेटेरिया व आस पड़ोस में सरलता से उपलब्ध है। मतलब ये क्या होता है, जो कैलोरीज वाले फूड्स वगैरह होते हैं, ये आसपास कई जगहों पर, मतलब जो कैफेटेरिया होता है आस पड़ोस में या किसी भी विद्यालय में, यहाँ पर बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाते हैं, जिनके भोज तत्वों के बारे में न्यूनतम ज्ञान है। अक्सर यह बच्चे के शारीरिक वजन में अधिक कैलोरी पूर्ण होता है। फोर्थ है इसके अंदर हमारा, जिसके अंदर है जीवन शैली, यानी लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल से क्या असर पड़ता है, ये किस तरीके से इसका एक कारण है, यानी ओबेसिटी का कारण है लाइफ स्टाइल। अक्सर माता पिता अपने बच्चों को सहज एवं आरामदेह जीवन का प्रयास देने का, एक तरीके से जो जीवन होता है वो पेरेंट्स चाहते हैं कि आरामदेह हो, मतलब बहुत ही रेस्टफुल हो,
इसका प्रयास करते हैं कि उनका जो जीवन है वो बहुत ज्यादा रेस्टफुल होना चाहिए। हालांकि वह यह भूल जाते हैं कि ये आरामदायक जीवन उनके बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। नेक्स्ट देखेंगे हम फिफ्थ पॉइंट, जिसके अंदर है सामाजिक सांस्कृतिक कारक एवं शहरीकरण, यानी सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एंड अर्बनलाइजेशन। तो इसके अंदर क्या है, बालक के मोटापे हेतु बढ़ता जो शहरीकरण है वो प्रचलित मान्यताओं व संस्कृति उत्तरदायी है। इसमें फर्स्ट है हमारा माता पिता द्वारा अति संरक्षण व दबावपूर्ण भोजन खिलाना, सेकंड है फास्ट फूड एवं भोजन केंद्रों की अधिकता, थर्ड है इसके अंदर हमारा स्वास्थ्य व पोषण के बारे में गलत परंपरागत धारणाएं। तो इन चीजों से क्या होता है, जो मोटापा है और ज्यादा बढ़ता है। तो हमने पांच पॉइंट्स देखे, जिनमें सबसे पहला था वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी या जेनेटिक्स, नेक्स्ट था हमारा शारीरिक क्रियाओं में कमी यानी लेक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, थर्ड था हमारा अत्यधिक कैलोरी यानी एक्सेस कैलोरीज इनटेक, फोर्थ था हमारा जीवन शैली यानी लाइफ स्टाइल, फिफ्थ था हमारा सोशियो कल्चरल फैक्टर्स एंड अर्बनाइजेशन, जिसके अंदर था हमारा सामाजिक सांस्कृतिक कारक एवं शहरीकरण। मोटापे के उपचार क्या क्या है, रेमेडीज ऑफ चाइल्ड ओबेसिटी, इसमें है भारतीय बच्चे अभी तक भी कुपोषण के बोझ से उभर नहीं पाए हैं। और इसके बाद क्या है, ओबेसिटी का भी एक जो ये रोग है ये भी आ गया है, मतलब कुपोषण तो था ही पहले लेकिन ये ओबेसिटी जो है, जो मोटापा है ये भी बढ़ता जा रहा है। समस्या को बालकों को एक महत्वपूर्ण संख्या का अधिक पोषण एवं गंभीर बनाता है। इसमें हमारा नेक्स्ट है फर्स्ट टॉपिक हमारा, जिसके अंदर हम रेमेडीज इसकी देख रहे हैं, उपचार देख रहे हैं। फर्स्ट उपचार है इसका प्रारंभिक शैशवावस्था यानी इन्फेंसी पीरियड में, जब अर्लियर इन्फेंसी होता है, प्रारंभिक शैशवावस्था एवं पूर्ण जन्म अवधि हेतु माता पिता को शिक्षा प्रदान करना यानी एजुकेशन पेरेंट्स फॉर अर्ली इन्फेंसी एंड प्री नटल पीरियड, यानी गर्भ में या फिर जब जन्म के बाद शैशवावस्था के टाइम पर क्या क्या उनको पेरेंट्स जो हैं उनको क्या क्या शिक्षा देनी चाहिए। तो फर्स्ट है गर्भवती माताएं जो होती हैं उनको संतुलित भोजन प्रदान किया जाना चाहिए, सेकंड है विशिष्ट रूप से केवल स्तनपान को बढ़ावा देना चाहिए, थर्ड है बच्चों में मोटापा वृद्धि से बचाव होना चाहिए, और फोर्थ है इसमें छोटे कद के बालकों का अत्यधिक पोषण से बचाव होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है हमारा इसमें सर्वेक्षण यानी सर्वेलेंस, इसके अंदर क्या है, फर्स्ट जिसमें क्षेत्रीय स्तर व बाद में राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर बाल मोटापे हेतु आंकड़ों का निर्माण करना, सेकेंड है इसमें समुदाय आधारित कार्यक्रम आयोजित करें जो मोटापे हेतु उपचार बताएं, थर्ड है इसमें हमारा मोटापे संबंधित समस्याओं का आलेख बनाना। थर्ड पॉइंट देखेंगे इसमें हम अपना, जिसमें है स्वास्थ्य शिक्षा यानी हेल्थ एजुकेशन, इसमें क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारा सभी बच्चों व उनके परिवार हेतु मोटापा केंद्रित शिक्षा में दैनिक स्वास्थ्य देखभाल सम्मिलित होनी चाहिए, सेकंड है हमारा मुख्य लोगों एवं लोकल चैंपियंस द्वारा स्वास्थ्य जीवन शैली का समर्थन करना, थर्ड है दृश्य श्रवण मीडिया एवं लोकल चैंपियंस द्वारा स्वास्थ्य जीवन शैली का समर्थन करना, मतलब लोगों द्वारा भी और मीडिया द्वारा भी। नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट इसके अंदर, जिसके अंदर समुदाय जागरूकता यानी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, इसमें क्या है, फर्स्ट हमारा स्वस्थ पैदल पदयात्रा व स्वस्थ उत्सवों में सहभागिता, सेकंड है विद्यालय हेतु सुरक्षित पैदल यात्रा या साइकिल सवारी का विकास, थर्ड है हमारे इसमें माता पिता विशेषज्ञ रूप से क्या माताओं को पोषण के बारे में जानकारी दी जा सकती है, फिफ्थ है हमारा इसके अंदर घर आधारित हस्तक्षेप कैसे है, होम बेस्ड इंटरवेंशन, इसमें क्या है, फर्स्ट हमारा बालक में पाई जाने वाली सामान्य भोज या डाइट संबंधित समस्याओं का पता लगाना, सेकंड है इसके अंदर निरंतर शारीरिक क्रियाओं की आदत की स्थापना करना, थर्ड है इसके अंदर घर पर भी जंक फूड की उपलब्धता ना हो। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर सरकारी उपक्रम यानी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, इसके अंदर फर्स्ट है हमारा मोटापे के लिए राष्ट्रीय कार्य दल का निर्माण, सेकंड है फल तथा सब्जियों के कर या टैक्स व कीमत में कमी होनी चाहिए ताकि लोग इसको ज्यादा से ज्यादा ले सकें, सेवंथ है इसके अंदर हमारा लास्ट पॉइंट योग एवं बाल मोटापा यानी योगा एंड चाइल्ड ओबेसिटी, इसके अंदर क्या है, फर्स्ट पॉइंट हमारा जिसमें है कुछ योगासन एवं श्वसन तकनीकी जो है तकनीकों द्वारा मोटापे से ग्रस्त बालकों में आत्मविश्वास स्तर का पुनः निर्माण करें, सेकंड है इसमें सभी बालक अपनी आयु स्तर के अनुसार योग सीख सकें, थर्ड है हमारा दैनिक सूची में
योग व्यायाम बालक की स्वस्थ जीवन शैली विकास में सहायक है। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जिसके अंदर हमने देखा कि बच्चों के मोटापे के कारण क्या-क्या होते हैं, किस तरीके से उनका उपचार किया जाए और किस-किस तरीके से ये उपचार किए जा सकते हैं। इसके अलग-अलग टाइप्स हमने इसके अंदर देखे, जिसमें हमारा था कि शैशवावस्था के टाइम पे यानी इन्फेंसी पीरियड में या प्रीनेटल पीरियड में किस तरीके से बच्चों का या मदर को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, सर्विलियंस में किस तरीके से हम कर सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा यानी हेल्थ एजुकेशन किस तरीके से हो सकती है, उसके बाद जो समुदाय जागरूकता यानी कम्युनिटी को किस तरीके से जागरूक किया जा सकता है, अवेयर किया जा सकता है, या फिर होम बेस्ड इंटरवेंशंस क्या होते हैं, या फिर नेक्स्ट था हमारा गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या हो सकते हैं, और लास्ट था हमारा योगा एंड चाइल्ड ओबेसिटी। इसके अंदर हम गेम्स एक्टिविटीज़ को भी ऐड कर सकते हैं, गेम्स एक्टिविटीज़ के जरिए भी बच्चों के मोटापे को कम किया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इस सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट के अंदर मैंने सारी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। लास्ट पॉइंट अब हमारा रह रहा है, और ये हमारा जो था फोर्थ यूनिट का सेकेंड लास्ट पॉइंट था। इसके बाद हमारे पास सिर्फ आई थिंक 2 या 1 पॉइंट ही रह रहा है, जिसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है फिलोसफी का, उसकी भी मैंने मोस्टली सारी वीडियोस डाल रखी हैं। लास्ट फोर्थ यूनिट के कुछ वीडियोस बाकी हैं और वो भी मैं अपलोड कर दूंगी नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें फॉर दिस काइंड ऑफ वीडियोज़। थैंक यू सो मच।